देखिए, ये 267 के अंदर हमने नोटिस दिया और मैं अकेला नहीं हूंगा, क्योंकि कल भी संभवतः 65 के करीब, परसों 65 के करीब थे, कल भी 50 के करीब। ये हम क्यों कह रहे हैं? कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद अब तो हमारे कहने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं तो समझता हूं कि दोनों ही सदनों में प्रिजाइडिंग ऑफिसर को सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद सुओ मोटो 267 या लोकसभा में जो अलग व्यवस्था है उसके हिसाब से एक विशद चर्चा हो, ताकि मणिपुर के लोगों को लगे कि उनके न्याय के लिए, उनके दर्द के लिए, उनकी पीड़ा के लिए, उनकी हीलिंग के लिए सदन जागृत है, सदन अपने सरोकारों को, अपनी जिम्मेवारी को समझता है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। देखिए, सीधी सी बात है कि मणिपुर तकरीबन 3 महीने हो रहे हैं। 3 महीने में न न्याय की कोशिश हुई है, न सौहार्द बनाने की कोशिश हुई है, अविश्वास की खाई बढ़ती जा रही है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। गवर्नर साहिबा ने बड़ी संजीदगी से हम लोगों की बात सुनी थी और एक संदेश दिया था। हम वो संदेश भी यहां पहुंचाएंगे। और जाहिर है कि हरियाणा में जो हो रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो जहर फिजा में बो रहे हो ना वातावरण में, कुछ नहीं बचेगा। किस बात की सरकार, कहां सरकार बनाओगे अगर लोग ही जिंदा नहीं बचेंगे? लोग जिंदा बचे, नागरिकों के बीच में सौहार्द हो, उसके बिना इस भारतवर्ष की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर किसी को लगता है कि चंद वोटों के लिए थोड़े दिन आग लगा दें या आग में रोटी सेक लें, मैं बता हूं सारी रोटियां जल जाएंगी, कोई नहीं बचेगा। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, शांति के लिए प्रयास हो। सर, हरियाणा के सीएम ने यूनी में जो हिंसा हुई उसको लेकर स्टेटमेंट दिया है। उनका कहना है कि यात्रा हो रही थी उसके ऊपर लोगों ने पत्थरबाजी की, अटैक्स, वो पुलिस विरोध भी। ये कैसे मुख्यमंत्री है, कोई समझ है? राव इंद्रजीत सिंह ने क्या कहा? कैबिनेट मंत्री हैं वो, उनकी बात सुनिए। हम विरोध में हैं उनके, भाजपा के, लेकिन उन्होंने कहा कि शोभा यात्रा में, हथियार कहां से आ गए, किस किस तरह के वीडियो वायरल किए जा रहे थे। खट्टर साहब, याद रखिएगा, इतिहास बहुत गौर से चीजों को देख रहा। ये जो लोगों के बीच में आग लगाने की कोशिश हो रही है ना, नुकीली दीवारी खड़ी करने की कोशिश हो रही है ना, ये हिंदुस्तान को लील जाएगा। कुछ भी नहीं बचेगा, ना आप बचेंगे, ना हम बचेंगे, ना एक कोई नागरिक बचेगा। और 100 वर्ष बाद लोग कहेंगे कि एक सभ्यता हुआ करती थी जिसका नाम भारतवर्ष था। उसके लिए सोचिए, शॉर्ट टर्म नैरो पॉलिटिकल एंड से चीजों को देखिएगा तो आप, मैं समझता हूं कि आग के पक्ष में खड़े दिखिएगा। अग्निशामक की जरूरत है वहां।